आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर मिर्जापुर से। घर से लापता दो नाबालिग लड़कियों में एक लड़की का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। मिर्जापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता दो सगी बहनों में एक का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना पडरी थाना क्षेत्र के भरुहिया गांव की है, जहां 1 अक्टूबर 2020 को दिलीप सिंह की दो बेटियां अंजलि 15 वर्ष और नंदनी 10 वर्ष घर से शाम 4 बजे गायब हो गई, जिसकी सूचना घर वालों ने पडरी पुलिस को दिया। पुलिस परिजनों के साथ मिलकर लगातार लड़कियों की तलाश कर रही थी। देर रात्रि में पुलिस ने बड़ी बहन अंजलि को उसके प्रेमी के साथ बरामद कर लिया। पुलिस बहन और लड़के से पूछताछ कर रही थी। सुबह पडरी इलाके के धौरा में रेलवे क्रॉसिंग के पास छोटी बहन 10 वर्षीय नंदिनी का शव बरामद हुआ। रेलवे क्रॉसिंग के पास उसका शव छत विछत अवस्था में बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल मामला प्रेम प्रसंग में बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर बहन का हत्या का नजारा आ रहा है सामने। साहब हमारे साथ में एक गाड़ी चार चक्का हमारे साथ में थी, हम साहब के साथ में थे, तो उधर से गाड़ी जब भाई लोग पकड़ लिए इन लोगों को, तो भाई लोग फ़ोन किए साहब के ऊपर, तो साहब बताए कि यार रमई पट्टी पक्के पोखरा में तुम्हारे भाई लोग किसी मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लिए हैं। तो हम लोग उधर से भागते भागते आए फतहा चले गए। फतहा से घूम कर आ गए रमई पट्टी से सीधा पक्के पोखरा। वहाँ देखे तो भाई लोग इसको पकड़ के बैठे थे, हाँ लड़के को लड़की को। झंडारोहण का समय था, अभी हम लोग झंडारोहण करके जब सूचना मिली है, ये गांधी जयंती थी और तो हम लोग झंडारोहण करने के बाद अभी सूचना मिली, सूचना के आधार पर वेरीफाई किया तो शाम को करीब 3 से 4 बजे के आसपास दो लड़कियां अपने घर से चली गई थी, और उसमें जो है एक लड़की 10 से 12 साल की थी, एक 19 साल की लड़की है। तो वो लड़की दोनों एक लड़की जो 10 साल की थी उसकी डेड बॉडी मिल गई है, उसकी पहचान भी हो गई है, और दूसरी लड़की भी बरामद हो गई है, और उसका जो लड़का जिसके साथ गई थी वो भी बरामद हो गया है। हम इसमें अभी प्रथम दृष्टया इतने बता सकते हैं, चूँकि सूचनाएं अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट कर रहे हैं, कि अभी ये बरामदगी हो गई है और उसकी डेड बॉडी मिल गई है लड़की की, और उसकी पहचान भी हो गई है। शेष हम विस्तृत अभी जानकारी और आपको देंगे। अभी प्रथम दृष्टया हम इसमें अभियोग जो 363 लिखा हुआ था उसमें हम 302 की वृद्धि करके शेष विधि कार्रवाई कर रहे हैं। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट।